अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट डे ऑफ द वेबिनार सीरीज ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। लास्ट टू डेज में हमने सीखा फर्स्ट डे पे लीडरशिप और कम्युनिकेशन के बारे में, सेकंड डे हमारा जो था वो एंगर मैनेजमेंट एंड टीम वर्क पे था, और लास्टली आज पब्लिक स्पीकिंग पे होगा। पब्लिक स्पीकिंग एक एसेंशियल पार्ट है आपकी डेली लाइफ का। अली हैदर, काइंडली म्यूट योर माइक। Yes. So for the session, for the webinar on public speaking, हमारे साथ मलिक अली अवान हैं, जो एक बड़े renowned public speaker हैं, motivational speaker हैं, आपके debates के एक नाम माने हुए पूरे पाकिस्तान के speaker हैं। आपके UMT का नाम बहुत जगह पे इन्होंने रोशन किया, बाकायदे से रोशन कहा जाता है UMT में डिबेट्स का, डेक्लेमेशन का प्रॉपर आगाज़ करने वाले, प्रॉपर उसको एक ऊंचाइयों पे लेके जाने वाले मेरे टीचर, मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्हें मैं मुर्शिद भी कहता हूँ अपना, क्योंकि उन्होंने मेरी पर्सनल और मेरी प्रोफेशनल ग्रूमिंग जितनी भी है इन्होंने ही की है। तो मेरे लिए तो ये उस्ताद, बड़े भाई, रूहानी बाप की भी हैसियत रखते हैं ये मेरी, तो इनकी इज्जत मेरे लिए तो काबिल एहतराम है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है इन्होंने UMT से, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। उसके अलावा ये उनका एडमिशन हो गया हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ अभी कुछ ही देर में चले जाएंगे, ये रुखसत हो जाएंगे यहाँ से। उसके अलावा सियासत से वाबस्तगी काफ़ी ज़्यादा है इनके, सियालकोट के रिहायशी हैं ये, रूट्स इनके सियालकोट के हैं। UMT से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पाकिस्तान का कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो इन्होंने ना जीता हो डेक्लेमेशन के ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, चाहे वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हों, चाहे वो डेक्लेमेशन हो, वो किसी भी तरह का भी MUN हो, सियासत पे गहरी नज़र होती है इनकी, इंटरनेशनल हो या नेशनल पॉलिटिक्स हो। तो ये सारा इंट्रोडक्शन करवाने का मकसद ये है कि आपके अगर कोई स्पीकर बुलाया है कोई इस पर, तो यानी वो प्रोफेशनल है इस चीज़ के, जो इस चीज़ की अलिफ बे से वाकिफ़ हैं एक अच्छे एसेंस में। तो सर अली, आपकी तरफ, फ्लोर इज योर्स, अनम्यूट कर लें अपना माइक। अली भाई अपना माइक अनम्यूट कर लें। हाँ, कर लिया मैंने। सबसे पहले तो इतनी ज्यादा तारीफ का शुक्रिया, ठीक है। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से, ढेर सारा सलाम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का सेशन जो है ना, हम एक नए तरीके से शुरू करते हैं। मतलब नए तरीके का मतलब ये है कि एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि स्पीकर आता है, वो आके इंट्रैक्शन अपना स्लाइड्स की शक्ल में या एक लिटरेचर कंटेंट की शक्ल में करता है। हम इसको जो है ना, वो रिवायती जैसे बैठक होती है, हम इसको वैसे करते हैं। आज हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि असल में पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम्स आती क्या हैं, और पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम जो आती हैं उसको फिर हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस आधे घंटे या एक घंटे या पौने घंटे के सेशन में आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। मिसम को फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आप में से किसी ने कुछ भी सीखा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, उम्मीद है पॉजिटिव ही सीखोगे वैसे तो। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, और आपने खुद सोचना है कि पब्लिक स्पीकिंग जो है ये क्यों ज़रूरी है। अच्छा बोलना या ऑडियंस के सामने बोलना, ये क्यों ज़रूरी है? क्या पब्लिक स्पीकिंग जो है ये सिर्फ लीडर्स का काम है, सिर्फ CEOs का काम है, या प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ उन लोगों का काम है कि जो कोई ना कोई टीम लीड कर रहे हो? यानी कि मैं समराइज कर देता हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्या पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये है कि सिर्फ ऑडियंस या ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान बोलना, या इसका किसी और हद तक भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, पर्सनल लाइफ के ऊपर या करियर के ऊपर? अगर कोई एक बंदा इसका जवाब देना चाहे तो। सर, अकॉर्डिंग टू मी, हेलो जी सर, नहीं शाहजेब बोले, शाहजेब आप स्टार्ट कर सकते हो। सर, इसमें सबसे पहले
आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। सर इसमें सबसे पहले कि पब्लिक स्पीकिंग एक नॉर्मल बंदे के लिए जरूरी है कि हाउ टू डील पब्लिक, उसमें कॉन्फिडेंस एक, क्योंकि मेजॉरिटी जो इश्यूज हैं वो ये होते हैं कि कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि आप पब्लिक को फेस करके बोल सकें। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये चीज़ आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, इंटरेक्ट कैसे करना है पब्लिक के साथ। और शाहजेब आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। उज़ैर सर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मैसेज कोई हम किसी दूसरे तक पहुँचा सकें, अपनी बात उसको समझा सकें, तो वो बेसिकली जो है ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, आप दोनों ने बहुत अच्छी बात की है, बड़े वैलिड पॉइंट्स किए हैं और यही एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाह रहा था एक्चुअली, मैं उस तरफ आता हूँ। इससे पहले कि मैं अपना बोलना स्टार्ट करूं, मुझे सिर्फ एक और चीज का आंसर दे दीजिएगा कि आप लोगों के ख्याल में, कोई एक या दो बंदा देना चाहे आंसर, आप लोगों के ख्याल में ये जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है जो हम हिचकिचाते हैं बोलने से, किसी के सामने बोलने से, ऑडियंस के सामने बोलने से, क्यों होता है? सर कॉन्फिडेंस ना होना। हैंड रेज करें अपना, तो मैं फिर आपको साथ ही बताता जाऊंगा कौन कौन है। मिसबा, मुझे लगता है कि ये फियर इसलिए होता है कि हमें जो है ना पब्लिक की तरफ से आने वाले रिएक्शन का खौफ होता है, क्या हमें ये होता है कि हम जो बात करेंगे वो पता नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी। एग्जैक्टली कोई और अगर ऐड करना चाहे इसमें कुछ, कोई एक बस एक बंदा। सर मोस्टली जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज किसी ग्रुप के सामने या लोगों के सामने जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं या कोई बात शुरू करते हैं, तो यूजुअली होता है ऐसे कि हर किसी की वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होती है और हर कोई आपकी तरह सोच नहीं रहा होता, और आप मोस्टली आउट ऑफ 100 अगर आप परसेंटेज काउंट करें तो सिर्फ 40-30% लोग आपकी बात को समझ पा रहे होते हैं, और बाकी के लोग यूजुअली आपकी बात को सिर के ऊपर से गुजार देते हैं या फिर आपकी बात को टोटली इन अ रॉन्ग वे अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, मिसबा ने भी ठीक कहा, आपने भी ठीक कहा और बाकी दो स्पीकर्स ने भी। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड के क्यों जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग हमारी डेली लाइफ में, मतलब इस खौफ को खत्म करना क्यों जरूरी है? जस्ट टू गेट सम पीपल अवेयर, के लोगों को अवेयरनेस हासिल हो, जिन लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं है, स्पेसिफिकली अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पब्लिक स्पीकिंग इसलिए है कि उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन लोगों को किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, स्पेसिफिक बात के बारे में नहीं मालूम, उन लोगों को उस बात के बारे में अवेयरनेस हासिल हो और वो लोग भी उस बात से एनलाइटेंड हों। ठीक है, अच्छा अब शुरू करते हैं। आप सब ने आप बड़ी अच्छी रीजंस बताई हैं, बड़े अच्छे आंसर्स दिए हैं। पब्लिक स्पीकिंग जो होती है ना, बेसिकली हमारे यहाँ पे एक मेजर कॉन्सेप्ट ये बनाया हुआ है हम लोगों ने कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल के सामने जाके अपने आइडियाज शेयर करना और अपना जो है वो व्यू देना या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना किसी के सामने जाके, बिल्कुल ये मतलब होता है पब्लिक स्पीकिंग का, 100% एग्रीड। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का एक पहलू ये भी होता है कि आप अपनी बात, अपनी जात से मुतल्लिक बात अपने घर वालों से लेकर बाहर की दुनिया को समझा सके। मैं कहना ये चाह रहा हूं, कॉन्फिडेंस की भी एक बात आई थी कि कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अच्छे स्पीकर तब तक नहीं बन सकते, आप पब्लिक स्पीकर तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो आप अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने नहीं कर सकेंगे, आप अपनी बात अपने दोस्तों के सामने नहीं कर सकेंगे, आप अपनी बात, अपनी बात से मुराद है कि आपके हक में, आप अपने हक में नहीं बोल सकेंगे। इसकी मिसाल मैं अक्सर यूं दिया करता हूं कि अगर कोई बच्चा है, उसने FSC नहीं करनी, उसका दिल करता है वो आर्ट्स करे या वो ICS करे, ठीक है, घर वालों को प्रेशर है कि वो FSC करे, वो ICS ना करे, वो आर्ट्स ना करे, वो अपने घर वालों के सामने नहीं बोल पाता, वो अपने घर वालों को नहीं बता पाता कि मैंने ये काम नहीं करना, मैं ये नहीं करना चाहता, वो नहीं करता। उसकी वजह से
किकआउट हो जाता है वो कहाँ पे, सीधा एफएससी में चला जाता है, फेल हो जाता है वहां पे जाके, वो अपना 100% नहीं दे पाता। रीजन, स्पीकिंग स्किल्स लैक की उसकी, कम्युनिकेशन स्किल्स लैक की। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये कतई तौर पे बिल्कुल ये नहीं होता कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ऑडियंस को एड्रेस करना होता है इन मोटिव्स के ऊपर, इन पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं पहले बेसिकली आप सबको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये समझें कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या है या स्पीकिंग का मतलब क्या है। स्पीकिंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आपने बोलना है, आपने अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपनी पर्सनैलिटी और अपना आप शेयर करना है अपने हक के लिए और अपने आप के लिए। इकबाल का एक बड़ा जबरदस्त शेर है कि अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। और फिर आगे अगर आप इकबाल को पढ़ें तो खुदी का फलसफा है और ये सारी चीजें। सबसे पहले आपने अपने आप को पहचानना है, अपनी वीकनेस आपने देखनी है और अपनी स्ट्रेंथ आपने देखनी है, फिर आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, हम नहीं बता पाते कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। अब बात आती है फियर की कि अगर एक अच्छा एक स्पीकर क्या क्या करता है। अगर आप एक अच्छे स्पीकर नहीं, मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है तो आप कभी भी अपने ऑफिस में नहीं अच्छी रेपुटेशन रख सकते, प्रमोशन नहीं आप ले सकते, आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन सकते। हेलो, यस जी, जी आप बोल रहे हैं जी, आपकी आवाज आ रही है। मुझे लगा मेरी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज। अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन, आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं रखते, आप लीडर नहीं बन सकते। और लीडर का एक और मतलब मैं यहाँ पे वाजह करता चलूं, लीडर का मतलब कतई तौर पे ये नहीं होता कि आप पॉलिटिकल लीडर लाइक आपके जो पॉलिटिकल टाइकून्स या आइकन्स हैं आप उन जैसे लीडर्स की बात करें, नहीं। लीडर का मतलब है हर वो बंदा जो अपनी हदूद व कयूद में रहकर अपने साथ साथ 4 से 5 लोगों को लेकर चलता है, उनकी सरबराही करता है। आपका घर है, आप अपने घर के अगर सरबराह हैं, आपके साथ 4-5 लोग रहते हैं तो आप अपने घर के लीडर हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, आपके साथ 4 से 5 लोग अटैच्ड हैं, आपकी टीम के अंदर आप उनको लीड कर रहे हैं तो आप उनके लीडर हैं। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है ना, आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते, आप कभी भी मीडिएटर नहीं बन सकते, आप कभी भी मैनेजर नहीं बन सकते, आप कभी भी कोई अच्छा अपनी जिंदगी में दूसरों पे इम्पैक्ट नहीं रख सकते। आप हिस्ट्री उठा के देखें, जितने भी स्पीकर्स हैं वो सारे के सारे अच्छे कम्युनिकेटर्स थे। मुझे एक एग्जांपल जहन में आ रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इंटरनेट पे स्पीच पढ़ी होगी बड़ी मशहूर, बंदे का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रिसर्च मैं इस बात का कायल हूं कि बंदे को खुद रिसर्च करनी चाहिए, मैं सिर्फ हिंट दूंगा। शायद मिशन पहुंच जाए तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, पहुंच भी जाए तो बंदे का नाम मत ले, ये आप लोगों को होमवर्क है, आपने रिसर्च करनी है जाके, कि जब जर्मनी मार रहा था, हिटलर हमला करने वाला था यूके के ऊपर, ठीक है, तो एक बंदा खड़ा होता है अपनी पार्लियामेंट के अंदर, उसकी फिजीक अगर आप देखें तो जिंदगी में जितनी दफा वो बंदा गिरा होगा ना, कोई बंदा नहीं गिरा होगा। मैं नजरों से गिरने की बात नहीं कर रहा, मैं चलते फिरते गिरने की बात कर रहा हूँ। जितनी दफा उस बंदे को किक्स लगी होंगी, इग्नोर किया गया होगा, नेग्लेक्ट किया गया होगा, किसी को नहीं किया गया होगा। वो एक बंदा खड़ा होता है पार्लियामेंट के अंदर, स्पीच करता है, और वो ऐसी स्पीच करता है, ऐसी स्पीच करता है कि जहां पर सारे का सारा यूनाइटेड किंगडम अपने आप को सरेंडर करने की सोच रहा होता है और ये डिबेट कर रहा होता है कि हम हिटलर के आगे नहीं टिक सकते, वहीं पे माहौल सारा बदल जाता है। उसकी एक 4 से 5 मिनट की स्पीच एक स्ट्रेटजी बनवाती है और हिटलर जो है वो सबोताज हो जाता है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है एक स्पीच 4 से 5 मिनट की। अब आपने रिसर्च करनी है जाके कि वो कौन बंदा था। ये मिसाल मैंने क्यों दी है, अभी किसी ने बात की यहाँ पे कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं हम ठीक बोल रहे हैं या हम गलत बोल रहे हैं, मतलब मफहूम ये था कि हम ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, लोग हमें जज कर रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। उस बंदे ने नहीं सोचा कि मैं कितनी दफ़ा इग्नोर हुआ हूँ, मैं कितनी दफ़ा नेग्लेक्ट हुआ हूँ। अगर वो ये सोचता वो कभी भी यूनाइटेड किंगडम के लिए खड़ा ना होता और ना ही उसको बचा पाता। इसमें से पॉइंट मैं ये देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आपकी फिजीक जैसी भी है,
उसको एक्सेप्ट करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज जैसी भी है उसको इम्प्रूव जरूर करें, लेकिन पहले एक्सेप्ट करें। दूसरों के बारे में मत सोचें कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में पहले श्योर हो जाएं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। यहां से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कोई हकीम की दुकान पे मिलने वाली पुड़िया बिल्कुल नहीं होती के जो घोली पिलाई गए। अक्सर लोग कहते हैं स्टेज फियर। स्टेज फियर क्यों आता है? आपके दिमाग में ये चल रहा होता है, आप ये सोच रहे होते हैं यार इतने लोग हैं, 5, 10, 20, 50 लोग हैं, इनके सामने जाके मैं बोलूंगा पता नहीं मैं सही बोलूंगा मैं गलत बोलूंगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी, ये सारे ये जो आते हैं ना हम कॉमन हमारे दिमाग में बातें में, वो बात कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी लैंग्वेज पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी, अच्छा मैं बोलूंगा लोग हंस ना दें आगे से कि मैंने पता नहीं कौन सी बात की है, क्लास में सवाल नहीं करते कि यार बच्चे ना हंस पड़े आगे से कि पता नहीं कैसी बात की है मैंने। तो सबसे पहले तो इस चीज से निकलें। आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर कोई बेवकूफाना सवाल करेगा तो कोई हंस देगा ना, यानी कि मैं अगर बेवकूफाना सवाल करूंगा तो मी समझ आप सब हंस देंगे आगे से, ना तो मेरी जान चली जाएगी, ना ही मेरा वजीफा बंद हो जाएगा, ना ही जो है वो मुझे मुल्क से निकाल दिया जाएगा, ना ही मेरा आईडी कार्ड कैंसिल हो जाएगा, ना ही मेरी शहरियत कैंसिल हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो बंदे यही कहेंगे यार कितना बेवकूफों वाला क्वेश्चन किया है इसने, सो व्हाट, कहने दें, आप तो क्लियर हो जाएंगे, कम से कम आप क्लियर हो जाएंगे। सेकेंडली आप अपनी फिजीक को एक्सेप्ट करें, ये ना सोचें कि मैं कैसा लग रहा हूं मैं कैसा नहीं लग रहा, मैं बोलते हुए कैसा लगूंगा मैं कैसा नहीं लगूंगा, एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी होती है, एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अपने आप को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, अपनी बॉडी लैंग्वेज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, इस चीज से आप निकल गए कि लोग क्या सोचेंगे लोग क्या कहेंगे। हमारे यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का आपने नहीं सोचना, आपने सिर्फ अपना सोचना है। कमिंग बैक उसी पॉइंट के ऊपर, अगर मैं अपनी बात पहुंचा सका हूं, आप लोगों को समझ आ गई अगर मेरी बात की, तो मैं दोबारा उसी बात पे वापस आता हूं कि उस बंदे ने स्पीच दी और पूरा का पूरा नक्शा बदल दिया। उसकी फिजीक आपने चेक करनी है, उस बंदे के बारे में आपने पढ़ना है, और फिर आपने ये अखज करना है कि अगर ये बंदा भी यही सोचता कि मैं अगर बोलूंगा तो लोग हंसेंगे मुझे कुछ सीरियस नहीं लेगा, तो ऐसा ना हो पाता। सेकेंडली एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ गई है, आई थिंक स्विट्जरलैंड की लड़की थी 16 साल की, हाँ गालबन 16 साल की लड़की थी वो, बिल्कुल। उस लड़की ने ना एक कैंपेन शुरू की थी, अकेली खड़ी हुई पार्लियामेंट के बाहर एक पोस्टर उठा के, वो पोस्टर उठा के अकेली खड़ी हुई। ये मैं फियर्स के ऊपर भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक स्पीकर तब तक नहीं बना जा सकता जब तक आप अपने फियर्स से नहीं लड़ सकते, आप अपने खौफ से नहीं लड़ सकते। अच्छा कम्युनिकेटर तब तक नहीं बना जा सकता जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस फियर से लड़ने के लिए सबसे पहले रूट्स और जड़ें पकड़ने की जरूरत होती है, रीजंस और कॉजेस। ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि एक 16 साल की लड़की, आपकी भी एज, ग्रेटा नाम था उसका गालबन, आपकी भी एज जो है वो 20, 22, 21, 19 साल होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पोस्टर पकड़ के आपने खड़े हो जाना है पार्लियामेंट के बाहर, तो आप कभी खड़े नहीं होंगे। आप कहेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे देखेंगे मुझे पागल कहेंगे मुझे बेवकूफ कहेंगे कि अकेले खड़ा हो गया हूं। उस लड़की ने ये नहीं सोचा, उसका एक मोटिव था, वह काम करना चाहती थी, उसने अपने आप को डिस्करेज नहीं किया, उसने अपने आप को करेज किया, वो जाके खड़ी हो गई, एक पोस्टर पकड़ा, वो पूरी की पूरी तहरीक चली, कैंपेन चली, और स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री में वो रिकॉर्ड की गई। द पॉइंट इज अगेन, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में चीज नक्श हो जाए और बैठ जाए कि सबसे पहले आप जो करना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप वो पहचाने, खुदी को पहचाने। फलसफा इकबाल भी है खुदी,
उसको पहचान, उसको पहचाने, अपनी वीकनेस को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। आप जब पहचान लेंगे अपने आप को, अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को, उसके बाद काम करना। अगर लोगों के सामने, मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मुझे शर्म आती है, तो मुझे अपनी शर्म पे काम करना चाहिए। अगर मैं लोगों के सामने इसलिए नहीं बोलता कि लोग ये समझेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे जज करेंगे, मुझे जज करेंगे, तो मुझे अपनी इस थिंकिंग पे काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं स्टेज फियर इसलिए रखता हूँ कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा, और मेरी एक बात याद रखिएगा, हर कोई फियर एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो एक्सपीरियंस स्पीकर हो, चाहे वो न्यू कमर हो, चाहे कोई और हो। फर्क सिर्फ ये होता है कि जो न्यू कमर होता है उसको टैकल करना नहीं आता, उसको हैंडल करना नहीं आता। जो एक्सपीरियंस स्पीकर होता है उसको हैंडल करना आता है, उसको टैकल करना आता है। सिर्फ ये फर्क होता है। प्रैक्टिस, नॉलेज, रीडिंग, ये तीन चीजें जरूरी हैं। आप प्रैक्टिस करें स्पीच प्रैक्टिस, स्पीच एंजाइटी दूर होगी। आप पढ़ें, आपके पास अल्फाज का जखीरा आएगा, आप अच्छा बोलेंगे। आप ऑब्जर्व करें, उसको एक्सप्लेन करें, आप में मोटिवेशन आएगी। मैं अक्सर अपनी एक स्टोरी सुनाता होता हूँ, एक 100 रुपए की कहानी सुनाता हूँ और एक माइक के खड़कने की कहानी सुनाता हूँ। अक्सर डिबेटर्स ये जानते हैं, मुख्तसर सी मैं यहाँ पे अर्ज करता हूँ कि हॉस्टल लाइफ के अंदर छोटा था तो इंग्लिश तकारीर का मुकाबला आ गया। हाउसेस का आपस में होता है, अगर कोई हॉस्टल लाइफ में रहा है तो उसको पता है, वो जानता है। मुकाबला आ गया, मैंने अपना नाम लिखवा दिया क्योंकि मैं स्टेज फियर मुझे नहीं था, लेकिन काफ़ी देर से मैं स्टेज पे जाके बोला नहीं था, तो मैंने कहा इस दफ़ा भी बोल लूँगा। मैंने नाम लिखवा दिया जाके अपना। मेरा ट्रायल हुआ बंद कमरे के अंदर। उन्होंने कहा जी ठीक है, क्योंकि कैडेट कॉलेज के अंदर इज्जत और हाउस का जो मुकाबला होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। आर्मी से अगर कोई ताल्लुक रखता है तो वो जानता है कि यूनिट की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत होती है। इसी तरह कैडेट कॉलेज के अंदर हाउस की इज्जत सबसे ज़्यादा होती है। उन्होंने नाम लिखवा लिया, उन्होंने कहा जी हमारा हाउस जीत सकता है इस टीम के साथ। मुकाबला आया, मेरा नाम आया। जिस दिन मेरा नाम था, जिस दिन मैंने बोलना था, अली साहब वहां से भाग गए सीधा वॉशरूम में, बाहर नहीं निकले। दिन गुजर गया, बहाना मार लिया, पेट खराब था। दोबारा नाम डाला गया, साइकिल वाइज चलता है, टर्न आई, अली साहब फिर भाग गए। तीसरी दफा फिर नाम आया, उसने भी कहा, जो हमारा टीचर था राव, उसने भी कहा ना बेटा तेरी जान तो मैंने नहीं छोड़नी, वजह बताओ कि भागते क्यों हो, या वाकई पेट खराब होता है। एक दफा पेट का बहाना कर लिया, एक दफा कोई बहाना कर लिया, मैं फिर भाग गया। तीसरी दफा मैंने सोचा बैठ के, मैंने कहा यार ये वही बंदे हैं जिनको रोज मैं कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर देखता हूँ, रोज हाउस के अंदर देखता हूँ, दूसरे हाउस के अंदर देखता हूँ, रोज इनके साथ बैठ के कप्पे लड़ाता हूँ, ये कौन सी नहीं, और मैं कब तक भागता रहूंगा। मैंने अपने आप को एनालाइज किया, मैंने अपने फियर को पहचाना कि मुझे डर किस चीज का लग रहा है। मैंने कहा जो भी हो जाए मर जाऊंगा, बोलना जरूर है, जाना है जाके, चाहे रटी रटाई तकरीर करनी है, जैसे भी करनी है करनी जरूर है। नेक्स्ट टाइम मैं चला गया और स्टैंड वाला माइक था, बिल्कुल ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया। मैं तकरीर कर रहा हूँ, ठक ठक की आवाज आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज की आवाज है, लेकिन मैं तकरीर करी जा रहा हूँ। जब तकरीर खत्म हुई तो मुझे पता चला कि वो मेरी टांग कांप रही थी और वो माइक के साथ लग रही थी, वो नीचे स्टैंड के साथ उसकी टक टक की आवाज आ रही थी। मैं उस दिन डरा नहीं हूं, मैं भागा नहीं हूं, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं मैंने करना है, क्योंकि मेरे तीन रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। रूल ऑफ थ्री आईज मैं इनको कहता हूँ, ये मैंने अपने टीचर से सीखा था और उन्होंने मुझे सिखाया था, और उसके बाद से मैंने ये अपना रूल बना लिया था। और वो ये था कि आई विल, आई कैन, आई हैव टू, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। और दूसरी कहानी है
बचपन में बहुत छोटा था, अम्मा अब्बा ने सिखा दी, सबको सिखाते हैं सूरतें वगैरह, कुरानिक आयात छोटी छोटी। स्कूल फंक्शन था, क्योंकि मेरे अब्बा जी एक स्कूल भी रन करते हैं, स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तो हर कोई बच्चा लालची होता है। तो मैंने कहा जी मैं 100 रुपया चाहिए। अब्बा जी ने कहा 100 रुपया लेना है, जाके वहां पे कुल्हू अल्लाह सुना दो, 100 रुपया मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं चढ़ गया जाके डाइस पे, बिस्मिल्लाह शुरू की, आंखों में आंसू आ गए, कुल्हू अल्लाह शुरू की, नदियां बहना शुरू हो गई आंखों से, और ख़त्म होते होते तो बस बुरा हाल था, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि 100 रुपया बार बार जहन में आ रहा, लालच था। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि मुझे 100 का लालच था, मैं इसलिए नहीं रुका। आपको अगर अपने गोल्स पर पहुंचने का लालच है ना, अगर आप पैशनेट हैं अपने गोल पर जाने के लिए, रुके नहीं, झिझके नहीं। स्टेज फियर तो बहुत दूर की चीज है, आप किसी भी चीज को ओवरकम कर सकते हैं। अपने आइडियाज शेयर करें, अगर आप अच्छे, आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डिवेलप हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए। आप पढ़ क्यों रहे हैं, अगर आप यहाँ से पढ़ने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद भी वही दबे सहमे। हम सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट एरिया से आते हैं, डिफरेंट स्नैरियोज से आते हैं, डिफरेंट सिचुएशन से हम लोग आते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो कॉलेज है, ये जगह है जहाँ पे हम ग्रूम करते हैं, ये जगह है जहाँ पर हम अपने आप को बदलते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं डिफरेंट लोगों, डिफरेंट माहौल के साथ, और बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पर आकर अगर आपने अपनी वीकनेस को नहीं पहचाना, एक बंदा है वो फैशन पर्ड है, फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, वो नहीं बन पाएगा जब तक कि वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अगर ये कॉन्फिडेंस ना होता, मैं तारीख से आपको ढेरों मिसालें उठा के दे सकता हूँ। एडिसन 50 दफा फेल हुआ था, लेकिन एक दफा कामयाब हुआ था। अगर उसमें कॉन्फिडेंस ये ना होता कि मैं कामयाब हूंगा, वो कभी कामयाब ना होता। एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल से निकाला हुआ शख्स है, वो कभी भी आइंस्टाइन ना बनता अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना होता कि वो जो सवाल कर रहा है वो सही कर रहा है। उसको स्कूल से निकालने की वजह ही ये थी, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें एल्बर्ट आइंस्टाइन की, उसको स्कूल से निकालने की वजह ही ये थी कि उसके सवाल जो थे वो अजीबोगरीब होते थे, लोग तो हंसते थे, बच्चे तो हंसते थे, लेकिन वो जानता था कि वो जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा। तो मैं समराइज करूं अगर अपनी पूरी इस दाएं बाएं और पता नहीं कहां कहां की बात को एक चंद जुमलों में, तो वो ये है कि आप सबसे पहले इस चीज से निकलें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं स्टेज पर जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं घर वालों को बताऊंगा, उनसे शेयर करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं अपने हक के लिए बोलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं टीचर से क्वेश्चन करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, ना तो आपकी शहरियत कैंसिल होगी, ना ही आपको निकाला जाएगा, ना ही आपको गद्दार करार दिया जाएगा, ना ही आप पे कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चलेगा। कॉन्फिडेंस पहला है, और ये कैसे लाया जाता है ये मैंने आपको मिसालों से बता दिया है कि आपने सबसे पहले अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना है, आपने सबसे पहले सोचना है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता, अल्फाज का जखीरा इकट्ठा करें। अल्फाज का जखीरा पढ़ने से आता है, बुक्स पढ़ें, नॉलेज मैक्सिमम गेन करें, जो लोग अच्छा बोलते हैं उनको सुने, उनसे सीखें। अगर कोई बंदा अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है ना, वो इंजीनियर्स को पढ़ता है। अगर कोई अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, वो अच्छे डॉक्टर्स को पढ़ता है। अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, वो जर्नलिस्ट को पढ़ता है, वो जर्नलिज्म पढ़ता है। आप अगर अच्छे स्पीकर, अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो दुनिया में जिन्होंने अच्छी स्पीच दी है, मुझे एक और स्पीच याद आ गई है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी गालबन, ये FSC की बुक में है आई गेस सो, अगर मैं गलत हूँ तो किसी और बुक में है, लेकिन जरूर पढ़ी होगी आपने, लूथर मार्टर जूनियर की नज़म की शक्ल में होगी, आई हैव अ ड्रीम आई थिंक, इस तरह का टाइटल है उसका, कोई पढ़ी होगी यकीनन आप सबने।
वो शायद आपने इससे पहले इस एंगल से ना देखा हो, वो एक स्पीच थी जो निग्रोस और वाइट की फाइट में, लड़ाई में, जिसने अमेरिकन हिस्ट्री में नाम के साथ, उसके नाम के साथ साथ एक हिस्ट्री और एक लाइन खींची थी। वो अल्फाज का तरीका देखें आप कि उसने स्टार्ट कैसे की। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है ना, जैसे मैंने पहले बात की थी कि वो अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता, अगर आप अच्छे मैनेजर हैं, आप अच्छे लीडर हैं, आप कमांड कर रहे हैं, तो आपने अपनी ऑडियंस को, आपने अपने हजूम को, आपने अपनी कौम को जिसको आपने एड्रेस करना है, चाहे वो आपका घर है या कोई भी, आपको उनके बारे में पहले पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप एड्रेस शुरू करते हैं तो उसके अल्फाज कुछ इस तरह से है कि मैं जानता हूं कि आप सब लोग अपने जलते हुए घर छोड़कर आए हैं। अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज करें। ये कैसे आएंगे? ये ऐसे आएंगे जब आप पढ़ेंगे। सेल्फ स्टीम इसके बारे में है। अगला स्टेप सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद के, सेल्फ स्टीम, अपने आप को नेगलेक्ट नहीं करना, अपने आप को नीचे नहीं गिरने देना आप लोगों ने। ढेरों सक्सेस स्टोरीज हैं आपके पाकिस्तान की हैं, शुएब अख्तर है, शुएब मलिक है, स्टीफन हॉकिंग है, बहुत बड़ा नाम है। स्टीफन हॉकिंग के बारे में अगर आप लोग जानते हो, लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर ले, बल्कि दो तीन एग्जाम्पल जोर जहन में आ गई है वो देने के बाद। इसके बाद एक टर्म आपको बताऊंगा जिसको कहते हैं ग्लासोफोबिया। अगर मैं ये भूल जाऊं, कहीं और निकल जाऊं, तो इसे मुझे याद करवा देना। स्टीफन हॉकिंग के बारे में अगर आप पढ़ें ना, पैरालाइज्ड, डायग्नोस्ड हुआ एक बीमारी से, एवीएस जिसको कहते हैं, मोटर न्यूरॉन उसमें काम नहीं करते आपके, ठीक है, बट उसका पैशन था, उसका पैशन था कि वो कुछ करे। डॉक्टर्स ने कहा तुम 25 साल से ऊपर नहीं जी सकोगे, तुम 25 साल के बाद मर जाओगे। उसने अपने आप को डिस्करेज नहीं किया, उसने एक्सेप्ट किया, यार 25 साल में मैं मर जाऊंगा, ठीक है मैं मर जाऊंगा। ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि डॉक्टर्स उसको कह रहे हैं कि 25 साल में मर जाओगे, यहाँ पे मुझे आपको कोई नहीं कहता कि स्टेज पे जाओगे, लोगों के सामने बोलोगे तो आपका वीजा ऊपर का कट जाएगा, टिकट लग जाएगी आपकी। उसको डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 25 साल के बाद तुम मर जाओगे, 25 साल तक तुम जिंदा रहोगे, वो भी बोनस की लाइफ। वो डिस्करेज नहीं हुआ। हम ये सोच के डिस्करेज हो जाते हैं कि स्टेज पर जाएंगे तो क्या होगा, चार बंदों के सामने बोलेंगे तो क्या होगा, कैसे जज करेंगे। स्टीफन हॉकिंग के बारे में पढ़िएगा, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं उसको। स्टीफन हॉकिंग ने अपने आप को कहा कि मैं मरना है तो मर तो जाना है, जिसने मरना है मरना है, मैं अपने ख्वाब पूरे कर लूं। अपने ख्वाब के पीछे वो ऐसे दौड़ा, वो ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ा कि उसने ये मशीन तक डिजाइन की कि जो वो सोचेगा वो कम्युनिकेट होता जाएगा। और दुनिया साइंस में उसने इनकलाब बरपा कर दिया। उसकी रिसर्चेस पढ़ें उसके, और वो 50+ में जाके मर रहा है गालबन, ये साल 1.5 साल पहले वो जाके मर रहा है, ये शायद 2 से ज्यादा साल हो गए हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। सेकेंडली कॉन्फिडेंस की मिसाल है पेले की। मैं अक्सर देता हूं, किक मारता है, पेले दुनिया फुटबॉल का बहुत बड़ा नाम है, किक मारता है आउट ऑफ डी, पोल को जाके लग जाती है, रिपोर्ट लिखवाता है कि ये पोल में फर्क हो सकता है, मेरी किक में फर्क नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? प्रैक्टिस। और वाकई जब उस पोल को मापा गया तो उसमें आधे इंच का फर्क था, छोटा था वो आधा इंच पोल। प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस अगर आप लाना चाहते हैं आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये सोच के इंग्लिश ही ना बोलते कि लोग मुझे जज करेंगे कि ये इंग्लिश खराब बोल रहे हैं, आप यकीन करें हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम में से कोई भी अंग्रेज नहीं है, ना ही हमारी मादरी जुबान अंग्रेजी है और ना ही हम अंग्रेजों के घर पैदा हुए हैं। आप बोलें, हक से इंग्लिश की टांगे तोड़ें, क्योंकि हमारी जुबान नहीं है ना, उर्दू की नहीं तोड़नी, बस इंग्लिश की तोड़ें। इंग्लिश को इसलिए बोलें क्योंकि ये जरूरत है वक्त की, तकाजा है वक्त का, इसको बोलें। इंग्लिश में लिखें, जहां पर आप रुक जाएं, आपको नहीं आता वहां पे उर्दू में लफ्ज लिख दें। मैंने ऐसे राइटिंग ऐसे सीखी थी, इंग्लिश के जो हमारे टीचर थे, गालिबन में 6th क्लास में था, मैंने कभी भी ऐसे याद नहीं किया। ये बताने का मतलब ये है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने कभी भी ऐसे याद नहीं किया, अपनी लाइफ में नहीं याद किया। मैंने इंग्लिश कैसे खुद लिखा, खुद लिखता था जहां पे, और पेपर्स में ऐसे कर देता था मैं,
जहां पे मुझे लफ्ज नहीं था ना आता, उर्दू का लफ्ज था उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं आती थी, मैं वहां पे उर्दू में लिख के आ जाता था। लेकिन टीचर की साइड से भी सपोर्ट मिली, उन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया, उन्होंने मुझे करेज किया, उन्होंने। और लेकिन मैं क्या करता था, लिख के आता था, नोट करता था ये लफ्ज, और मैं डिक्शनरी में उसका मतलब ढूंढ लेता था। अपने आप को डिस्करेज नहीं करना, अपने आप को आपने लो एस्टीम नहीं करना, अपने आप को आपने ये नहीं कहना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। पहले की बात बताने का मतलब ये था, प्रैक्टिस करनी है आपने, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ग्लासोफोबिया याद आया मुझे, अब मैंने बताया था, ग्लासोफोबिया एक सोबर किस्म की टर्म है पब्लिक स्पीकिंग के फियर को मेंशन करने के लिए, और ये स्पेसिफिकली तब यूज होती है जब आप क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं। हम सारे प्रेजेंटेशंस देते हैं, और मुझे पता है स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन से भागते हैं, और ऐसे भागते हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं और अभी भी हूं, ऐसे भागते हैं जैसे चोर पुलिस को देख के भागता है। और हम प्रेजेंटेशन को इंजॉय करते थे, क्योंकि प्रेजेंटेशन वाह थी जिसमें पता होता था कि मुफ्त का नंबर मिल जाने हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है, उसमें नहीं जाना आपने। कॉन्फिडेंस था किस चीज का, कि भाई मसला ही कोई नहीं है, और मसला दिल को समझाने वाली बात है। यहां पर अगर आप कहेंगे ना कि मैं कर सकता हूं, मैंने करके दिखाना है, आप यकीन करें 100 बंदों पे मुश्तमिल ऑडियंस हो, 5 पे हो, 500 पे हो, 1000 पे हो, इन 3 आईज को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, मैं कर सकता हूं, करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा। अपने आप को बोलें कुछ नहीं होगा, मैंने बोलना है। लास्ट एग्जाम्पल है थोड़ी सी सियासी, बच्चे गैर सियासी होते हैं। आपके मुल्क के करप्ट तरीन सियासतदान मीडिया पर, नेशनल टीवी पर आकर अगर ये कहते हैं कि हमने करप्शन की नहीं है, हमने झूठ नहीं बोला, और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, तो आप सच्चे होकर, मासूम होकर वो कॉन्फिडेंस अपना सकते हैं। इलेबोरेट करता चलो अपनी बात को, कि गलत हो के एक बंदा अपने आप को डिफेंड कर सकता है और इतना कॉन्फिडेंस लेकर आ सकता है, तो आप अपने हक के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने अंदर के फियर से लड़ सकते हैं। कैसे? उन्हें झूठ बोलने की प्रैक्टिस है, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। आप अपने आप को पॉलिश करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें सच बोलने के लिए, अपने हक में लड़ने के लिए, तो आप इस चीज को पॉलिश करें, इस चीज पे प्रैक्टिस करें। और इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, उसके बाद फिर मैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलता हूँ, कि पब्लिक स्पीकर कैसे बना जा सकता है, अपने आप को कैसे निखारा जा सकता है, अगर कोई डर है तो उससे कैसे लड़ा जा सकता है, वगैरह वगैरह। किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर दे। हाँ मेरे ख्याल से अभी भी कंटिन्यू करते हैं इसे, बिल्कुल ठीक है, एंड पे रखेंगे क्वेश्चन आंसर। हाँ ठीक हो गया। सबसे पहले ना, बिलीव योर सेल्फ। अगर आप अपने आप पे यकीन नहीं रखते, यकीन करें आप पे कोई यकीन नहीं करेगा। स्ट्रगल करें, हार्डवर्क करें, फेलियर से नहीं डरें, फेल होने से बिल्कुल नहीं डरें। तारीख में नाम ही सिर्फ उन लोगों का होता है जो फेलियर्स होते हैं। कभी भी उस बंदे का नाम नहीं आया जो पहले अटेम्प्ट में आता जरूर है, कभी कभी कोट होता है। इंस्पिरेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशंस, कोटेशंस उन्हीं बंदों को होती हैं, और उन्हीं को किया जाता है जो फेलियर्स होते हैं। आईफोन घर घर में यूज होता है। आईफोन बनाने वाला जो था अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर था। एक टाइम पे कंपनी तक उसकी जो है, अपनी कंपनी में उसको काम करना पड़ गया। केएफसी बनाने वाला बाबा, केएफसी की बुनियाद रखने वाला बाबा, तस्वीर भी लगी होती है, 60 साल से ज्यादा एज में जाके कामयाब हुआ, खुदकुशी की, कई अटेम्प्ट्स की, ठीक। आज उसको लोग कोट करते हैं, सर्विस शूज बिक गया, सब कुछ बिक गया घर से, हर चीज से। लेकिन कॉन्फिडेंस क्या था, कि जहां पे मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया, मैंने एक चीज सीखी, उसका नाम है एक्सपीरियंस, और अब मैं कामयाब हो जाऊंगा। सारी मेरी जितनी भी डिबेट है ना पब्लिक स्पीकिंग के टॉपिक के ऊपर, इसकी एक ही रूट थी, वो था कॉन्फिडेंस।
उसका स्टेप था कि कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है। मैंने आपको वर्स्ट किस्म की मिसालें भी इसलिए दी हैं, मुख्तलिफ लोगों की जिंदगियों के इशारे भी इसलिए बताए हैं आपको कि सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, आप अपनी वीकनेस को पहचानें। आप अगर शाये हैं, आप ये अपनी शायनेस को कन्फेस करके बोलने की कोशिश करें, अपने अंदर लड़ाई लड़ें कि मैंने बोलना है, शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, अपने घर में चार लोगों के दरमियान बोलें, अपने दोस्तों में बोलें, क्लास में क्वेश्चंस रेज करें। अगर आप नहीं करते, आप यकीन करें आप कोई भी करियर अपनाना चाहते हैं, एक हद तक जाएगा, आगे आप अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकेंगे। बिजनेसमैन है, अच्छा कम्युनिकेटर होना पड़ेगा, अच्छा कम्युनिकेटर होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे? अपने डर से लड़के। डर से कैसे लड़ेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ। आप मैनेजर हैं, अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, ग्रेजुएट होने के बाद फिर अपने अपने डरों से नहीं लड़ेंगे, अपने डर से नहीं लड़ेंगे। आप इंटरव्यू जो देते हैं ना, वो भी पब्लिक स्पीकिंग है। आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब हासिल करने के लिए इंटरव्यू देते हैं, वो भी पब्लिक स्पीकिंग है। अपने वालिद को, अपनी वालदा को कायल करते हैं किसी बात के लिए, वो भी पब्लिक स्पीकिंग है। आप कोई भी करियर अडॉप्ट करना चाहें, अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, आप नहीं कर सकते। और एक बात याद रखिएगा, आपके और ऑडियंस के दरमियान सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, चाहे वो ऑडियंस आपकी घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे प्रोफेशनल किसी इंडस्ट्री की हो, उसको कहते हैं फियर। और फियर को काबू करने के लिए आपने अपनी एंग्जाइटी से, आपने अपने थॉट्स से, जो नेगेटिव थॉट्स हैं कि मैं ये नहीं कर सकूंगा, लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला, डर के नहीं बैठना, आपने लड़ना है उनसे, तब जाके आप पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे, तब जाके आप अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक्सप्रेसिव हो जाएं, शेयरिंग करें, बताएं दूसरों को इस डर के बिना कि मैं गलत बोल रहा हूं या मैं सही बोल रहा हूं, ये सोचे बगैर कि पता नहीं मेरे बोलने के बाद मेरा मजाक उड़ाया जाएगा या नहीं उड़ाया जाएगा। प्रिपेयर करें अपने आप को, पहले कोई भी स्पीच देनी होती है पहले प्रिपेयर किया जाता है अपने आप को। ऑर्गेनाइज करें अपने आप को। अब मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूं कि अच्छी स्पीच कैसे दी जाती है। आपको आपके टॉपिक का पता है, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करें, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद खुद तजिया करें कि कहाँ पे मेरा लफ्ज ठीक था, कहाँ पे मेरा लफ्ज गलत था। बॉडी लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव चीज होती है। बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है ये अट्रैक्ट करती है लोगों को। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नजर आनी चाहिए आपकी। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज ऐसे आती है जब आपको पता हो कि मैं जो बोलूंगा ये मेरा एरिया, ये मेरा ग्राउंड है, 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ मैंने बोलना है, लोगों ने सुनना है और वो सुनेंगे, मैंने उनको कन्विंस करना है। तो आप में खुद एतमादी जो आती है उससे बॉडी लैंग्वेज आपकी खुद बहुत बेहतर होती है। अपराइट पोस्चर रखें अपना। इंट्रैक्शन करें आंखों का, आंखों में आंखें डाल के बात करें। आंखों में आंखें डालने से दो मतलब बिल्कुल नहीं लेने, एक तो वो गुस्से वाला और दूसरा रोमानवी। आंखों में आंखें डालने का मतलब यह है कि जब आप बात कर रहे हैं तो नजरें चुरा के बात नहीं करनी, अपनी ऑडियंस से इंट्रैक्ट करें, आप उनकी आंखों में देख कर बात करें। अपराइट पोस्चर रखें अपना। माइक की और फिर एक्सरसाइजेस होती हैं वो, खैर ना तो ये टाइम है ना तो मौका है कि वोकल्स आवाज के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ माइक ट्रेनिंग होती है, वो एक बात की चीजें हैं। बट सबसे पहले स्टडी, नॉलेज, प्रैक्टिस या प्रैक्टिस, उसके बाद डिलीवरी, आइडियाज शेयरिंग, और सबसे बड़ा डिलीट अपनी लाइफ से मारें, मैं कैसा लगूंगा, लोग क्या कहेंगे। आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। ये बिल्कुल रिवायती एक तरीका था बताने का,
एक देसी तरीका था बताने का। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था कि मैं गूगल की जुबान बोलता, मैं हार्ड टर्म्स यूज करता, मैं दूसरी कंटेंट या लिटरेचर लेकर आता, रिसर्च पेपर लेकर आता, वो आपको पढ़ाता, वो आपको बताता। लेकिन अगर आपको मेरे दो पॉइंट्स समझ में आ गए हैं ना, सिर्फ तीन पॉइंट्स, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, तो यकीन करें आप उनको इम्प्लीमेंट कर लें, जिंदगी में आप मिशन को दुआएं देंगे कि उसने ये सेशन अरेंज किया था। थ्री आईज पे अमल कर लें आप, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें और अपने अंदर के डर से लड़ना शुरू कर दें। बी अ फाइटर नॉट अ कावर्ड। बुजदिल ना बने, पाकिस्तान की सरजमीन पर बुजदिल पैदा नहीं होते, पाकिस्तान की सरजमीन शेरों की सरजमीन है, यहाँ पे शेर पैदा होते हैं, शेर बने और शेरनियां बने। अपने अंदर के डर से लड़ें। मैंने अपने मैं वाइंड अप करना चाह रहा था लेकिन ना मुझे एक और एग्जांपल याद आ गई है, हालांकि है ये भी मेरी अपनी की, बट कतन तौर पे बताने का मतलब ये नहीं है कि सारी एग्जांपल्स मेरी ही जिंदगी से हुए हैं जो मैं कोट करूं, बल्कि ये मतलब है कि शायद आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, आप कह लें कि यार हो सकता है। बींग अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड होल्डर और बाकी सारी चीजें, मेरे फादर चाहते थे मैं लॉयर बनूं, मैं वकील बनूं। मेरे टीचर्स कुछ जो मेरे अब्बा जी के बड़े अच्छे दोस्त भी थे, उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि इसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा बोलता है, इसको लॉयर बना दें। मैं नहीं बनना चाहता था, मैंने कहा मैंने नहीं बनना। मैंने डिबेट की, मैंने कायल करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं बनना, मैंने रीजन बताई, उन्होंने कहा अच्छा तुम वकालत ना करना, प्रैक्टिस ना करना, तुम एक साल डेढ़ साल करना, उसके बाद तुम जो है ना वो बैरिस्ट्री के लिए चले जाना या तुम जुडिशरी के पेपर दे देना। मैंने वो भी बताया कि मैं वो क्यों नहीं करना चाहता। ठीक है, ये सारी बातें की, वो कन्विंस शायद हो गए लेकिन उन्होंने एडमिट नहीं किया। मेरा पाकिस्तान के बेस्ट लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया, भेज दिया गया मुझे, एडमिशन फॉर्म साइन करने थे, मेरा भाई साथ था, पाकिस्तान आया हुआ था। अब्बा जी ने भाई को बोला हुआ था कि यार इसे लास्ट टाइम पूछ लेना, अगर ये फिर भी ना माना तो वापस आ जाना, एडमिशन फी वगैरह फॉर्म वगैरह सबमिट ना करवाना। मैंने साइन किए, ठीक है। मुझसे भाई ने पूछा, दोबारा कॉल आई अब्बा जी की, अब्बा जी ने कहा पूछा है, भाई ने कहा नहीं अभी नहीं पूछा, मुझसे पूछा, हम लॉन में बैठे हुए थे, हम लॉ कॉलेज की बात कर रहा हूँ, हम उसके लॉन में बैठे हुए थे, तो मुझसे पूछा, मेरा जवाब कुछ ऐसा था कि यार सबको मैंने बताया कि मैं क्यों नहीं करना चाहता, मैंने डिबेट की है, मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, आप फिर भी सारे बजिद दो, तो यहाँ पे कनपट्टी पे बंदूक रख के पूछ रहे हो कि हंसोगे या रोगे, तो ये तो कोई बात ना हुई। भाई हसपड़ आ गए से, उसने वो पेपर फाड़ा डस्टबिन में और हम वापस आ गए। ये बात बताने का मतलब पता है क्या है, अगर उस दिन मैंने पब्लिक स्पीकिंग ना की होती अपनी फैमिली के अंदर, मैंने अपने अब्बा जी को ना बताया होता, मैंने अपने भाई को ना बताया होता कि मैं ये नहीं करना चाहता, तो मैं आज वकील होता, इंजीनियर ना होता, मैं अपना पैशन फॉलो ना कर पाता, मैं अपना जो करना चाहता हूँ वो ना कर पाता। आप अगर अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ना जो आप करना चाहते हैं, और आप वाकई में करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, सीईओ बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेटर बने, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसे आती हैं, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस, नॉलेज और थ्री आईज और कॉन्फिडेंस। मेरी तरफ से तो फिल वक्त इतना ही है, उम्मीद है कुछ फायदा हुआ होगा। इफ एनीवन ऑफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। कुछ की तो बात नहीं अली भाई, यकीनन फायदा ही हुआ इस चीज का। किसी का कोई क्वेश्चन? आई गेस सबके लिए ये टॉपिक नया था, तो क्वेश्चन का मोइज प्लीज हैंड रेज करें, मैं जिसको कहूंगा वो क्वेश्चन करे, खुद अपना इनपुट ना दें। मोइज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कम्युनिकेशन तो सब करना चाहते हैं लेकिन पब्लिक स्पीकिंग या स्पीच सब करना चाहते हैं, लेकिन असल बात ये है कि जब हम बोलते हैं तो
हम ये चाहते हैं बेसिकली कि जब हम कुछ बोले तो आगे से कोई हमें अप्रिशिएट करें, या अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो हम कहते हैं हम सही नहीं बोल रहे हैं या हम कुछ गलत बोल रहे हैं, शायद अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो इसलिए हम चुप कर जाते हैं आगे से। इसका मतलब कि इसको ओवरकम करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? आपको अप्रिसिएशन लेनी बंद करनी चाहिए, आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि अप्रिसिएशन आप नहीं ले, बस आप बोलें, बोलते जाएं और कुछ करते जाएं, या क्या करना चाहिए इसके? बड़ा वैलिड सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इसका जवाब आपको ना ऐसे देता हूँ, अपना दो बातों से बल्कि गिरना गिरकर संभलना लहू गर्म रखने का है कि बहाना, ठीक है। अगर आप बोलते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपको अप्रिशिएट किया जाए और आगे से अप्रिसिएशन नहीं आती, ठीक है, आपने डिसहार्ट नहीं होना ये सोचकर कि यार पता नहीं मैंने गलत बोल दिया या पता नहीं मेरी बात को पसंद नहीं किया गया, ये सोचकर आपने डिसहार्ट नहीं होना। आपने क्या करना है, आपने बैठना है अपने आप के साथ, किसी और के साथ नहीं, अपने आप के साथ आपने बैठना है। आपने अपने आप के साथ बैठ के सबसे पहले अपनी उस स्पीच को, अपनी उस मवाद को, अपने उस मटेरियल को आपने एनालाइज करना है कि यार जो मैंने बोला है, ये जो मैं स्पीच देकर आया हूं, इसमें क्या कमियां थी, ये कैसे बेहतर हो सकती थी, ये कैसे बेहतर होती है या कैसे बेहतर हो सकती थी, या मैं कैसे बेहतर कर सकता था। आपने अपने आप से सवाल करना है कि मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया गया, ठीक है। आप जब ये अपना एनालाइज करेंगे ना, आपको अपनी कमियां जब नजर आएंगी, आपने वो एक साइट पर नोट कर लेनी है। फिर उसके बाद आप अपने किसी दोस्त से पूछें, यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी ये स्पीच थी इसमें क्या बेहतरी होनी चाहिए थी। देखें दो अप्रोच है ना, दो मेंटेलिटीज है। एक तो ये है गिव अप कर दें कि मैं स्टेज पर गया हूं, कोई नहीं बोला, मेरे बस की बात ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, हथियार डालें वापिस आ जाएं। दूसरी, बेहतर करें अपने आप को। वो जो मैंने माइक खड़कने की आवाज दी थी, उस दिन अगर मैं रुक जाता ना, दो दिन बाथरूम में गया था, तीन दिन, तो मैं कभी भी नेशनल डिबेटर ना बन पाता। आपने क्या करना है, फिर अपने किसी दोस्त से पूछें, अपने किसी खैर खास से पूछें, या वो मशवरा दे ऑडियंस क्या सुनना चाह रही थी और आप क्या बोल रहे थे। मोइज नाम था गालबन आपका, मोइज देखो कपड़े की दुकान पर जाकर, कपड़े की दुकान पर जाकर ना कभी भी चूड़ियां नहीं बेची जाती। ऑडियंस जो सुनना चाहती है ना, जो सुनना चाहती है उसको इंटरेक्ट कैसे करना है वो जानना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि आपको अपने टॉपिक का पता होना चाहिए, आपने उसमें जो लिखना है उसके लिए पढ़ना है, आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, और अगर आप फिर भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती, आपने डिसहार्ट नहीं होना। सबसे पहली चीज ये, यार आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करना कि मैं ऑडियंस के अप्लॉज लेने के लिए, मैं उनकी अप्रिसिएशन लेने के लिए बोल रहा हूँ। आपने ये एक्सपेक्ट करना है कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने आइडियाज शेयर कर सकूं, मैंने अपने आइडियाज शेयर करने हैं। हाँ, दूसरी चीज जिसपे मैं पहले बोल रहा था कि आपने ये जरूर सोचना है कि अगर मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिली तो मैं इसको कैसे बेहतर कर सकूं और मुझे अप्रिसिएशन मिल सके। आपके अगर कोई दोस्त डिबेटर है ना, डिबेट करता है, तो आप उसे पूछना कि जब वो डेक्लेमेशन करने जाता है ना नया नया, तो ऑल पाकिस्तान लेवल का मुकाबला बोले, तो कभी भी नए स्पीकर को तालियां सुनने को नहीं मिलती, हर स्पीकर को नहीं मिलती, बहुत कम स्पीकर हैं जिनको मिली हैं, नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पीकर डिस्करेज हो, वो ज्यादा पुरजोश तरीके से उभरता है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना ऐसे होगा वो। अगर आपको ये चीज दबाती है ना कि अप्रिसिएशन नहीं मिल रही तो मैं छोड़ दूं, आप नहीं छोड़ो। दो अप्रोचेज मैंने आपको बता दी हैं, सिंगल लाइन में रिपीट कर रहा हूं, या तो आप गिव अप कर दो, या आप अपने आप के साथ बैठो और अपनी तकरीर को, अपनी स्पीच को और ऑडियंस की डिमांड को, उसके बाद काम करो, हार्डवर्क करो, और नेक्स्ट टाइम उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर करो, अप्रिसिएशन जरूर मिलेगी आपको। तो उज़ैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि अगर जिस तरह हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं कोई चीज़, तो हम
कभी कभार टीचर के गेस्चर से पता लगता है कि यार अगर हम सही भी बात कर रहे हैं ना, जो टीचर जेस्चर इस तरह के देता है कि हमें लगता है यार हम बात गलत कर रहे हैं। पता हमें सब कुछ होता है, लेकिन उस चीज को ओवरकम किस तरह किया जाए कि यार दूसरे के जेस्चर से हम अपने आप को पता लगाते हैं यार हम शायद गलत हैं। दोबारा बात वो आ जाती है, ज़ाहिर मैंने अपनी स्पीच में पीछे भी कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा नए तरीके से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने ये समझना छोड़ देना है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, ठीक है? आप अपने जज खुद हैं, लोग नहीं हैं। आपने अपने आप को जज करना है। हाँ, अगर आप किसी को अख्तियार देते हैं कि यार मुझे जज करो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरी कमियां दूर करो, मुझे डीमोटिवेट नहीं करो, वो एक अलग चीज़ है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है, वो एक डिफरेंट टॉपिक। आपने किसी को जज नहीं, आपने टीचर की बात पूछी है। मैंने वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की मिसाल इसलिए दी थी कि अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन जब खड़ा होता, अब एक दफ़ा आप जरा जाओ थ्रो बैक में, सोचो अल्बर्ट आइंस्टाइन खड़ा है, सवाल कर रहा है, टीचर गंदे गंदे मुंह बना रहा है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अगर सवाल करने बंद कर दिए होते तो आज आइंस्टाइन फिर आइंस्टाइन ना होता, उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इसीलिए आपने दूसरों को जज करने का तो ठेका देना ही नहीं है ना। ओवरकम कैसे करें? सबसे पहले आप, दोबारा बात आएगी सेल्फ स्टीम पे और कॉन्फिडेंस पे। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो पूछ रहा हूँ मैं सही पूछ रहा हूँ, ये चाहे टीचर है चाहे कोई और है, ये आगे से मुझे डीमोटिवेट कर रहा है, ये मेरा फियर बढ़ा रहा है, यार मैंने फियर अपने अंदर नहीं आने देना, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा स्टेज है, ये मेरा एरिया है, और मैं जानता हूँ मैं सही पूछ रहा हूँ। मैं गलत भी पूछ रहा हूँ तब भी इनका काम है आंसर करना, इनका काम है जवाब देना, ये पे लेते हैं इस चीज की, ये मुझे सिखाने के लिए हैं इस दुनिया में आई, मेरे रूहानी बाप हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट है, जो भी आप सोच लें, मैंने क्वेश्चन पूछना है, आपने पीछे नहीं हटना। उनको जज करने आप कोई भी स्टेज पे है ना, आप जाएं किसी भी स्टेज पे जाएं, आप मार तब खाते हैं जब आप ये सोचना शुरू करते हैं वो मुझे जज कर रहा है। आपने अपने दिमाग में तो आने नहीं देना कि कोई मुझे जज कर रहा है। आपने अपने आप को खुद जज करना है कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो मैं कैसा कर रहा हूँ, इसका जज भी मैं हूँ, उसका वकील भी मैं हूँ। समझ आ गई है बात आपको? जी सर, थैंक यू। जवाब मिल गया, सेटिस्फाइड हो आप? जी जी, गुड हो गया। आई गेस हम इसे वाइंड अप करते हैं भाई। तो बेसिकली यहाँ से फिर वही बात है कि सारे मेरे से पूछते हैं कि मैं अल्फाज किस तरह से यूज़ करता हूँ, अल्फाज कहाँ से लेके आता हूँ। तो बेसिकली यही सजेशन है जैसे उन्होंने बताया, मैंने भी अली भाई से ही सीखा कि रीडिंग अपनी ज़्यादा करें, अपना मुताला ज़्यादा करें, अगर उर्दू लैंग्वेज है तो उर्दू का मुताला, और इंग्लिश है तो इंग्लिश का मुताला, और बातों को रिपीट करते हुए वही कि अपने अंदर बिलीव रखें कि आप कुछ कर सकते हैं। जब अपने अंदर से बिलीव उठा देंगे, होपलेस हो जाएंगे, तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। अगर जब होपलेस जो बंदा है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, जो पैसिमिस्ट अप्रोच रखता है। तो इन्हीं बातों के साथ अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम एक सेकंड मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जहन में आ गई है। उज़ैर ने क्वेश्चन किया था और वो पहले वाले भाई ने, तो थोड़ा सा खैर मेरी तबीयत ख़राब है तो माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जहन में आ गई है, UY6 भी जहन में रखना यार हमेशा। मैं मीसम को टेक्स्ट कर दूंगा ये वाली चीज, ये आपको कर देगा। UY6 पता है क्या है? यू है कि अंडरस्टूड द सिनेरियो फर्स्ट, कि आपने सिनेरियो को, सिचुएशन को सबसे पहले समझना है कि वो है क्या। ये टीचर वाली बात जो थी, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं, लपेट ली जाती हैं। सेकेंडली योर ओपिनियन, UA को हो गया Y6, योर ओपिनियन, आपकी राय, आपने अपनी राय को अहमियत देनी है खुद सबसे पहले। थर्ड है योर क्लेम, कि आपका जो दावा है, आप जो आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे हो वो आप खुद एनालाइज करो कि वो कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा है, और आप उसको कैसे दूसरों को कन्विंस करने के लिए यूज कर सकते हो। फोर्थ है एविडेंस, योर एविडेंस। एविडेंस किस चीज का? कि मैं अगर स्पीच कर रहा हूँ तो उसमें जो मैं एग्जांपल्स लेके आ रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे जेस्चर्स, ये सारी इस चीज़ की, कॉन्फिडेंट बोलने की गवाही होनी चाहिए आपकी। फिफ्थ वन है आपके ऑब्जेक्टिव्स,
कि आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को लेकर क्या मोटिव्स रखते हो, मैनेजर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आप अपने फ्यूचर में क्लियर हो, सवाल पूछते हुए आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, सही पूछ रहे हो, अगर आपको लगता है सही पूछ रहे हो तो उसमें हिचकिचाना नहीं है आपने। सेवंथ है, सिक्स्थ है सॉरी, कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो ना, लॉजिक, बहस प्राय बहस नहीं, लॉजिक, और आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप जो लॉजिक लेके आ रहे हो वो सही है और वो आता है नॉलेज से। सॉरी आपको इंटरप्ट किया, ये मेरे जहन में आ गया था, मुझे लगा ये बड़ी जरूरी चीज है बताने वाली। फ्लोर आपका था, आप इंटरप्ट कर सकते हैं, तो कोई और बात आपने ऐड करनी है तो यहाँ फिर मैं से वाइंड अप कर दूँ। नहीं नहीं वाइंड अप, बस मेरी तरफ से तो वाइंड अप है, ठीक है बस। थैंक यू सो मच, आपने टाइम स्पेयर किया अली भाई, आपकी तबीयत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। और बाकी ये तीन दिन की हमारी सीरीज आज इख्तिताम पे पहुंचती है। हमने लीडरशिप पढ़ी, हमने कम्युनिकेशन पढ़ी, हमने एंगर मैनेजमेंट को जाना, हमने टीम वर्क को जाना और एंड पे पब्लिक स्पीकिंग को जाना। और आपने पब्लिक स्पीकिंग में इस चीज़ का आइडिया किया होगा कि सारे इंटरकनेक्टेड रही हैं चीज़ें, ठीक है। जो कुछ भी पहले एक्सप्लेन किया पिछले लेक्चर्स में, जो आज एक्सप्लेन किया, सारा इंटरकनेक्टेड था। ये डिज़ाइन ही इस तरह किया था कि आप लोगों की जो है प्रॉपर एक ग्रूमिंग हो सके, एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो सके इस सिनेरियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्पेयरिंग टाइम, थैंक यू सो मच अली भाई अगेन फॉर स्पेयरिंग टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और ये हमारी वेबिनार सीरीज आज इख्तिताम पे पहुँचती है, सो मीसम जावेद साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वेबिनार सीरीज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir.